स्टार्ट। नमस्ते बच्चों, आज हम आपको उसके आगे थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था। उसके आगे आज आपको हम पढ़ाएंगे सजीव और निर्जीव वस्तुएं। इस पाठ के अंतर्गत सजीव और निर्जीव के बारे में ही आपको पढ़ना है। आप जानने का बहुत प्रयास करेंगे अगर कि इस पाठ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज पढ़ाई जाएंगी, तो उसके अंतर्गत हम आपको बताएं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सजीव के अंतर्गत आती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। तो सजीव निर्जीव के बारे में ही आज आपको पढ़ना है। सजीव हम किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। प्रायः सजीव हम उसे कहते हैं जिस किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे में जान हो, प्राण हो, और वह जीवधारी कहलाने का अपने आप में सभी गुण रखता हो। जीवधारी वही होता है जो प्रायः भोजन ग्रहण करे और धूप हवा पानी इन सब चीज़ों की आवश्यकता महसूस करे और अपना जीवन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाए, उसको ही हम सजीव कहते हैं। सजीव में बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जैसे आपके पशु हैं, इन पशुओं को भी हम सजीव के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता, ये सारी चीज़ें सब सजीव के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। इसी तरह से निर्जीव भी होते हैं जिनके अंदर कुछ किसी भी प्रकार का प्राण नहीं होता, अर्थात जान नहीं होती, वो हिल डुल नहीं सकते, उनको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है, तभी जाके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाते हैं, उनको हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। ठीक इसी से मिलता जुलता या इसका ठीक उल्टा जो सजीव है उसमें कुछ पेड़ पौधों को भी हम सम्मिलित करते हैं, जैसे गुलाब का पौधा, गेंदे का पौधा, ये सब हमारे सजीव के उदाहरण होते हैं। अगर इन पौधों को हम उखाड़ करके फेंक दें तो ये निर्जीव के रूप में हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे कोई प्राणी है, कोई जीवधारी है, कोई जानवर है, कोई पशु के रूप में है, उसको यदि भोजन न दिया जाए, धूप हवा का पूर्ति न की जाए, तो वह मृत घोषित हो जाता है और वह फिर सजीव निर्जीव के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से हम सजीव और निर्जीव को समझ सकते हैं और उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनके नाम आप नोट कर लें या लिख लें। यहाँ पर भी कुछ नाम आपको दर्शाए गए हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पर जैसे आपको बतलाया गया है कुछ जंगली पशु होते हैं, भालू हाथी और चीता शेर, ये सब भी जीवधारी के अंतर्गत आते हैं जिनको हम सजीव भी कहते हैं। और ये सजीव जो होते हैं ये एक लंबे अवधि तक इस धरती पर जीवित रहते हैं, और इनको समझने के लिए, इनको और अच्छी तरह जानने के लिए, इनका अर्थ समझने के लिए कुछ न कुछ उदाहरण के रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके इस श्यामपट पर एक चित्र बना हुआ है चूहे का। ये चूहा है, जीवधारी है, इसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, इसको भी पानी की आवश्यकता होती है, इसको भी हवा की आवश्यकता होती है। यदि इस प्राणी को ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो एक दिन यह मृत घोषित हो जाएगा और यह अस्तित्व खो देगा। तो इस तरह से यह एक जीवधारी का उदाहरण है जानवर के रूप में। इसी तरह से ये पेड़ है, इस पेड़ को भी हम जीवधारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं क्योंकि पेड़ में भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। पेड़ को बढ़ने के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, ये सारी चीज़ें इन
पेड़ों को भी आवश्यकता होती है। अगर इनको इन चीज़ों से वंचित कर दिया जाएगा, इनको अगर इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कराई जाएगी, तो ये कुछ दिनों के पश्चात पेड़ सूख जाएगा और ये सजीव होते हुए भी निर्जीव के रूप में सामने आ जाएगा। इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को सजीव कराने के लिए इन सारी चीज़ों का उसके अंतर्गत होना चाहिए। एक और चित्र है, देखिए आगे, जिसमें मछली आपको दिखलाई पड़ रही बनी हुई। ये मछली जो है, यह भी एक जीव जंतु के अंतर्गत आती है और यह भी एक जीवधारी के स्वरूप में है। इस मछली को भी यदि अगर हम पानी से अलग कर दें तो शायद यह मछली मर जाएगी और इसका भी सजीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस मछली को भी भोजन की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, तभी यह अपना जीवन आगे की ओर बढ़ा सकती है, और ऐसा न करने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो भी चीज़ें हम आपको बतला रहे हैं, सभी चीज़ें सजीव के माध्यम से निर्जीव का सहारा लेकर आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके पूरे के अध्ययन करने के पश्चात आप नीचे एक प्रश्न लिखिएगा और उस प्रश्न का उत्तर आप इन्हीं में से खोज करके लिखिएगा। जो भी हमने बताया समझाया आपको, उसमें आपको उसका उत्तर मिलेगा, और उस उत्तर को लिख करके हमको फिर आप दिखलाइएगा वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या ऐप के माध्यम से। तो उसमें जो भी कमियां होंगी उस कमी को हम पूरा करेंगे और अच्छी तरह से आपको लिखवाएंगे और अच्छी तरह से आपको याद करवाएंगे। तो आप इसके नीचे एक प्रश्न लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, उसमें लिखिएगा कि सजीव किसे कहते हैं और इससे आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट करें। बस इसका उत्तर आपको लिख करके देना है, और जब इस उत्तर को आप यहाँ नीचे प्रश्न लिखते हुए लिखेंगे तो उसको हमको आप ज़रूर भेज दीजिएगा, हम उसको देख करके जांच करके और उसका सही उत्तर आपको पुनः भेजेंगे। तो बच्चों, आज की जो पढ़ाई थी आपकी वो सजीव एवं निर्जीव की थी, और आज की पढ़ाई में केवल इतना ही। फिर जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो आपको फिर हम इसके आगे की चीज़ें बतलाएंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, नमस्ते।